इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। माँ के भाव की प्रशंसा करते प्रभु गुरु शरण में आए। गुरुदेव भगवान से प्रभु ने सब कुछ सुना दिया। क्यों छिपाए? क्या स्वभाव की सरलता है सरकारी। सुमन पाय मुनि पूजा कीन्हि पुण्य शेष दुहु भाई, सुफल मनोरथ हो तुम राम लखन सुनि। भोजन विश्राम रात्रि बीती, प्रातः काल भया। जनकराज महाराज ने आग्रह किया सतानंद जी से, ऋषिवर विश्वामित्र जी और राजपुत्रों मुनिगणों को लेकर स्वयंवर स्थल पर आए। मैं इधर से पहुंचता हूं, सारी नगर की प्रजा स्वयंवर स्थल पर उपस्थित हो गई। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये धनुष यज्ञ निरंतर वर्ष पर्यंत चलता रहा। अब आज इसकी पूर्णा होती है। सुन सुनकर राजा लोग आते थे। क्या सुनकर? एक दिन पूजा में विलंब हुई, पुरखों का धनुष श्री किशोरी मैया पूजा के लिए व्यवस्था देने गई वहाँ, तो धनुष उठाकर मैया ने लेपन कर दिया। पिता जनक जी ने देखा माँ का यह व्यवहार, तो प्रतिज्ञा ले ली, जिस धनुष को हमारे पुरखे नहीं उठा सके, दशानन नहीं उठा पाया, उस धनुष को हमारी पुत्री ने उठा लिया। इतनी दिव्यता, अब इस धनुष को जो उठाएगा, इसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी समय अपनी पुत्री जानकी जी का विवाह करूँगा। अब ये तो निश्चित है, माँ सीता जी सीत के माध्यम से प्रकटी हैं, तो दिव्यत्व है, दिव्यता है, दिव्य स्वरूपा हैं, अयोनिजा हैं। यह अयोनिजा हैं तो अयोनिजा का विवाह तो उसी से होगा जो दिव्य स्वरूप से प्रकट हुआ हो। यहाँ दिव्यता है तो वहाँ भी दिव्यता होनी चाहिए। दिव्यता का दिव्यता ही वर्ण कर सकती है, सामान्य व्यक्ति के बस का नहीं है, सामान्य व्यक्ति उठा भी नहीं सकता है। क्यों? ये दिव्य स्वरूपा हैं, वो भी दिव्य स्वरूप आएंगे। लोगों ने कहा महाराज आपने क्या ले लिया प्रतिज्ञा? अब जनकराज महाराज तो जानते हैं, दूसरा तो जानता नहीं है। तो स्वयंवर स्थल पर सारी रचना बनाई गई, बंदी जनों ने कह दिया हमारे महाराज ने जो प्रतिज्ञा ठानी है। सब जैसे सब लोग पहुँचे, आप लोग जानते हैं राजा लोग, आपके भुजाओं का बल चंद्रमा या शिव का पिनाक राहु है, भरे राज समाज में जो इस धनुष को तोड़ेगा, राज समाज आज जोई तोरा। प्रतिज्ञा क्या है? प्रत्यंचा चढ़ाएगा। बंदी जनों ने कह दिया राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत दय दे। विचार नहीं किया जाएगा, हमारी मैया सीता जी उनका वर्ण करें। बंदी जनों ने कहा, सब राजा परिकट बांध खड़े हुए, धनुष के पास गए, तोड़ना तो दूर, कोई तिल भर धनुष को हिला नहीं सका। सारे राजा ऐसे उपहास के पात्र हो गए जैसे कोई सन्यास धारण कर ले और उसके मन में वैराग्य न आए। सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यास। सारे राजा, ये क्या, कोई धनुष नहीं तोड़ सका? जनकराज महाराज अपने स्थान पर खड़े हुए राजाओं की ओर देखकर बोलने लगे, दीप दीप के राजा महाराजाओं, हमने जो प्रण ठाना है आप सब लोग सुनकर आए, धनुष कितना कठोर है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी कन्या कितनी दिव्य है, सुंदर है,
लगता है भगवान ब्रह्मा ने मेरी कन्या के लिए धरती पर कोई वर भेजा ही नहीं। आप लोग वर्ष भर से तोड़ते चले आ रहे हो, अरे तोड़ना तो दूर, कोई तिल भर हिला तक नहीं सका। मैं जनक कहता हूं, आज से कोई माख नहीं करेगा। मैं जनक मान लिया कि धरती वीरों से खाली है। बैठे क्या आप लोग, तज हुआ सने जन जगृह जाओ, अपना घर घर देखिए, विदा लीजिए। लगता भगवान ब्रह्मा ने मेरी बिटिया के लिए व्याह रचा ही नहीं। अब यदि मैं प्रतिज्ञा त्यागता हूं तो मेरे पुण्य नष्ट होंगे, अब मेरी बेटी कुमारी रहे, इसके अलावा मैं कर भी क्या सकता। यदि मैं जानता धरती पर एक भी वीर नहीं है, ऐसी प्रतिज्ञा मैं जनक कदाप नहीं करता। जनक जी की वाणी सुनकर सब नर नारी दुखी हो गए। लक्ष्मण जी आवेशित हो गए। माखे लखन कुटिल भई भौं है, रद पट फरकत नयन निसों है, कहिन सकत रघुबीर डर लगे बचन जनबा, नाइ राम पद कम बोले जरा। लक्ष्मण जी ने एक बार जनक जी ने कहा, अब जनको माखे भटमानी वीर विहीन मही मैं जानी, रघुवंशी में बैठे परमात्मा श्री राम न बोले, अरे गुरु जी न बोले। दूसरी बार जब जनक जी ने कहा, जब जानता धरती पर एक भी वीर नहीं है, अरे रघुवीर के रहते वीरहीन धरती, लक्ष्मण जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। आक्रोश में नहीं, आवेश में आकर लक्ष्मण जी बोले, रघुवंशी में एक भी व्यक्ति कहीं बैठा हो, उस सभा में जनक जी ने जिन भाषा का प्रयोग किया ये सर्वथा अनुचित है। लखनलाल की भाषा का दर्शन करिए, कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, सुनहु भान कुल पंकज भानु, मैं कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु, जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, मैं कंदु कई ब्रह्मांड उठाऊं, कांचे घट जिमिदारों कोरी, कांचे घट जिमिदारों कोरी, सकाऊं मेरु मूलक जिमितोरी, सकाऊं मेरु मूलक जिमितोरी, तव प्रताप महिमा भगवाना, तव प्रताप महिमा भगवाना, हे गोबा पुरो पिनाक पुराना, गोबा पुरो पिनाक पुराना, नाथ जान यस आयस हो, नाथ जान यस आयस हो, मैं कौतुक करूं बिलोकी सो, कौतुक करूं बिलोकी सो, कमल नाल जिन चाप चढ़ावूं, कमल नाल जिन चाप चढ़ावूं, जो जन सत प्रमाण ले धावूं, 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 तोरूं छत्रक दंड जिम तब प्रताप बल, जो न करो प्रभु पद सपत, कर न धरूं धनु। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु ये धनुष क्या, मेरे को मूली की भांति में मान दूंगा, इसको तो कच्चे घड़े की भांत ब्रह्मांड को, इस धनुष को नहीं ब्रह्मांड को रौंद दूंगा। अरे कमल कट्टे को निकाल कर बच्चे नाल को खंड खंड कर देते हैं, धनुष को खंड खंड कर दूंगा, बरसात में उगे छत्रपों को जैसे बच्चे रौंद देते हैं, रौंद दूंगा नहीं तो धनुष बाण हाथ नहीं लगाऊंगा, सब करूंगा आपके प्रताप से। लक्ष्मण जी गरजे मिथिला में, धरती की गति बाबा ने कही, लखन सको जगमगानी मही एक जोरे, जगमगानी मही एक जोरे, जगमगानी मही एक जोरे। लक्ष्मण जी का कोप ऐसा अद्भुत रहा, धरती डगमगा गई, दिग्गज अपनी धुरी पर कलमला उठे, सारी सभा सन्न रह गई। अब देखिए
गुरु रघुपति सब मुनि मन माही मुदित भये पुनि पुनि पुल। जनक जी को संकोच हुआ, राजा जो अभिमानी धनुष तोड़ने गए थे मारे डर के सकपकाई गए। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी, मेरे सरकार, और जो प्रेमी थे प्रभु लक्ष्मण जी के प्रति, मुनि लोग सब लोग बारंबार पुलकायमान हो रहे हैं, उनका शरीर पुलकित हो रहे हैं, आनंदित तो हो रहे हैं। लक्ष्मण जी भगवान से पूछ रहे हैं आज्ञा हो तो तोड़ू। भगवान ने अखिया के इशारे से कहा बैठ, अब हमार काम हो। भगवान ने पहले क्यों नहीं कहा? देखिए, भगवान पहले से ही जानते हैं कि यहां जो होना है होना है। जो सेवक होता है ना, वो अपना काम तय कर लेता है, ये काम हमारा है। और जो प्रमादी होता है, कहा बताना कौनो काम है नहीं। अरे काम, कथा के पहले आके दरी बिछावा, इधर से उधर करा, ये सब रसरी खोल के अलग करा, काम है तबा इधर बांधा इधर खोल। जकरे पास काम ना हो हमसे मिले, इतने काम बता देंगे कि भाग खड़ेंगे, रायबरेली छोड़ देंगे। कोई नहीं कर सकता है काम नहीं है। इतना करने वाले के लिए काम समाप्त नहीं होता, और वालसी के लिए कहा बता कौन काम है नहीं। लक्ष्मण जी का कार्य थोड़ी था। लक्ष्मण जी जान गए एक बार जब कहा इन्होंने वीर विहीन, और दोबारा जो जनते वो बिन भट्ट भवि भाई न बोले। इसका अर्थ ये हुआ अब हमारे के बोले परी, भैया बोले, अथवा तो लक्ष्मण जी सेवक हैं, सरकार का स्वरूप है शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण प्रदम शांति प्रदम भाव प्रदम प्रेम प्रदम, सरकार का स्वरूप है। तो ऐसी बात, देखिए आवेश में वही उत्तम व्यवहार कर सकता है जिसको आवेश भी आता हो। इसलिए समुद्र को जगाने के लिए भगवान ने अपना बाण नहीं साधा, लक्ष्मण बाण सरासन आनो सौखों बारित विसिक कृसानो। हे लक्ष्मण जी, आप पे जाना था सब ठीक ठाक, लावा हम इनके सीख करेंगे पर। भगवान ने अखिया के इशारे से बिठाया। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।